हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो मैं और मेरी ग्रुप मेंबर्स ने मिल करके एक मॉडल बनाया है जो है रूबी लेजर। तो हम दिखाते हैं आपको। हेलो एवरीवन, सो आई वुड लाइक टू एक्सप्लेन यू अबाउट आवर मॉडल रूबी लेजर। So this is the model of our ruby laser. So here you can see the pink rod, which is the ruby crystal of ruby laser, and it is the mixture of chromium and aluminium. So on the two ends of the ruby laser there are mirrors. One is fully reflecting and the second is partially reflecting. This one is partially reflecting means 90% reflecting and 10% transmitting. So the white tube you can see, this is the xenon flash lamp which is connected to the power supply, and when the power supply is on, the flash lamp excites the ruby crystal. Pink rod you can see, it excites the ruby crystal, and the ruby crystal get excited and emits photon in the form of red crystals, which is our ruby laser. So that's all the our ruby laser, and thank you. Next model hai, ye hai solar tracking system, single axis solar tracking system, single axis solar tracking system jo ki meri friends group ne banaya hai. Shreya hai isme, सोनाली है एंड संदीप कौर है। हाय, बोलो हाय। हाय हाय, तो तुम कुछ इस बारे में बताना चाहती हो? सनलाइट या फिर कोई लाइट जब इसमें फोकस होता है, पहले हम लोग इसका स्विच को ऑन करते हैं, फिर इसमें जो सेंसर लगा हुआ है, सेंसर में लाइट डालते हैं, तो फिर ये मूव करता है, इसी तरह सन में भी मूव करेगा, सन के लाइट में। अच्छा, जब सनलाइट इसमें पड़ेगा, हाँ, ये सेंसर में जब पड़ेगा तो जिस साइड सन जाएगा, सन का लाइट ज्यादा होगा उसी साइड। वाओ, बहुत अच्छा। पहले इसका नाम बताओ। सिक्योरिटी बोलो। और सर यहाँ आग जलाना है, जैसे ये यहाँ से हम लेजर बीम लगाएंगे, ये चारों तरफ से सिक्योरिटी देगा, रिफ्लेक्शन करेगा, और मतलब ये लेजर से हमारा ओवरऑल बाउंड्री में होगा, वहाँ से रिफ्लेक्शन होगा मिरर से, ठीक है? अच्छा। और ये चारों ओर मतलब हो जाएगा इसका, और उसके बाद जैसे कोई भी इसको से तोड़ने का कोशिश करेगा, एंटर करने का कोशिश करेगा, यहाँ से टूटेगा उसका फ्लो, और ये बजर बजेगा, जिसकी वजह से अलार्म मतलब बजर बजेगा, अलार्म बजेगा, सेम है। अच्छा। एक पार्ट ये है, दूसरा पार्ट है यहाँ पे, ये स्टार्टर, जैसे ही स्टार्टर स्मोक या फिर फायर डिटेक्ट करता है वो अलार्म बजता है। अच्छा। ये हो गया हमारा दोनों प्रोजेक्ट। तो ये है हमारा सेकेंड मॉडल, जो थर्ड मॉडल जैसवाल हुआ, देखिए। तो जैसे कि देख लो आप लोग, तो इस मॉडल का नाम इन लोगों ने दिया है जैसवाल भवन, और ये क्या है, बोलो। हाँ बोलो। तो यहाँ पे हम लोग गेट में एक लेजर सिक्योरिटी अलार्म लगाया है, जिससे हम लोग को पता चल जाएगा कि कोई अनऑथराइज पर्सन या फिर कुछ भी अनऑथराइज मतलब एक्सेस होने से बचाएगा, जो मतलब कि कोई भी अगर मान लो चोरी आ रहा है, हाँ, तो उसको डिटेक्ट कर लेगा ये। हाँ, डिटेक्ट कर देगा, इससे एक अलार्म बजेगा जिससे सबको पता चल जाएगा कि कोई सिक्योरिटी को ब्रेक कर। तो मतलब मान लो यहाँ से अगर कोई एंटर कर रहा है तो क्या होगा, ये लेज़र ऑन हो जाएगा? नहीं नहीं, लेज़र हम लोग ऑन करेंगे यहाँ से, हाँ, और स्विच दबा रहेगा, हाँ, और अगर कोई भी चोर या फिर ऐसे अगर मान लो एंटर किया तो ये पीप पीप साउंड प्रोड्यूस कर रहा है, जिससे हमको पता चल जाएगा कि कोई जान चुकी है, घुसने की कोशिश। फिर तुम लोग जैसवाल भवन को बचा लोगी। हाँ। अच्छा, ठीक है, थैंक यू। अनदर मॉडल जिसका नाम है इलेक्ट्रिक जनरेटर। सो ये है रूबी लेजर का मॉडल, और यहाँ पे जो आप पिंक रॉड देख पा रहे हैं, क्रिस्टल रूबी क्रिस्टल, जो कि मिक्सचर है क्रोमियम और एल्युमिनियम का, और इसलिए क्रिस्टल के टू एंड्स में है मिरर, फर्स्ट है फुली रिफ्लेक्टिंग और नहीं, फर्स्ट है फुली रिफ्लेक्टिंग और अनदर है पार्शियली रिफ्लेक्टिंग, जिसके वजह से अगर इसको पार्शियली रिफ्लेक्टिंग इसलिए रखा गया है कि जब हमारा रूबी क्रिस्टल एक्साइट होगा तो यहाँ से फोटोन रिलीज होगा, जो कि बैक एंड फोर्थ होगा कंटिन्यूसली, और जिस एट द एंड यहाँ से रूबी लेज़र रिलीज होगा, जो कि हमारा मेन टॉपिक है रूबी लेज़र। और यहाँ पे जो ये वाइट ट्यूब आप देख पा रहे हैं, ये ज़ेनन फ्लैश लैंप है जो एक्साइट करता है हमारी रूबी क्रिस्टल को, और ये कनेक्टेड है पावर सप्लाई से, जब ये ऑन होगा तो हमारा पूरा होल प्रोसेस वर्क होगा, और एट द एंड हमें मिलेगा रूबी लेज़र।
ये है अनदर मॉडल जिसका नाम है न्यूक्लियर पावर प्लांट। तो यहाँ से ये ऑन हुआ और हमारा डिटेक्टर। तो ये कैसे काम करता है? ये ऐसे काम करता है, देखो मैं अभी फ्लैश लाइट जलाऊंगी अपना, हाँ हम लोग का बंद हो जाएगा। जब मैं इसमें डार्क चीज कुछ भी लाऊंगी तो वो अपने आप बचने लगेगा। अच्छा yes. तो ये एक तरीके से डिटेक्ट करेगा कि कोई अगर तुम्हारे घर की सिक्योरिटी के लिए है। अच्छा ठीक है, थैंक यू। सब कुछ हाँ चालू करो। तो ये यहाँ से इसको ऑन कर रही है अपने मॉडल को। भाई खतरनाक। तो ये है मॉडल फिजिक्स डिपार्टमेंट और इसका नाम है स्मार्ट सेफ्टी फार्मिंग। तो ये कुछ फार्मिंग के ऊपर बनाई है जिसके बारे में अभी आ करके वो एक्सप्लेन करेगी। बहुत ही वायरिंग किया हुआ है भाई भाई भाई। ये फायर सेंसर है जो फ्लेम को सेंस करता है और बजर बजाता है जिससे हम लोग अलर्ट हो जाते हैं कि हम लोग का खेत में किसी कारणवश आग लग गया है, तो हम लोग उसको ज़्यादा नुकसान पहुंचाने से रोक सकते हैं। और ये जो साउंड हो रहा है वो हम लोगों को बता रहा है ना। हाँ। और अब थर्ड एडवांटेज है ऑटोमेटिक वाटर इरीगेशन जिसमें हमने सॉयल सेंसर यूज़ किया है। जैसे कि यहाँ पर देखो, यहाँ सॉयल हम लोगों का ड्राई है। ड्राई है मतलब हम लोगों का पंप ऑटोमेटिक ऑन हो चुका है जिससे कि वो सेंस कह रहा है कि ड्राई सॉइल को मॉइस्चर का ज़रूरत है। और जब देखो वहाँ उस जगह पे पानी चल गया, मॉइस्चर हो गया, तो सेंसर सेंस किया कि वहाँ पे मॉइस्चर है और उसको पानी का ज़रूरत नहीं, तो इसलिए ये मोटर हम लोगों का बंद हो गया। अच्छा ऑटोमेटिक बंद हो गया। हाँ, तो यही तीन फीचर्स है जिसमें हमने दिखाया। वाओ थैंक यू, बहुत अच्छा। अनदर मॉडल है थर्मो इलेक्ट्रिक जनरेटर सी बैक इफेक्ट। कूलिंग इफेक्ट, ऊपर में बर्फ रहेगा और नीचे हीट दे रहे हैं, तो ड्यू टू हीटिंग एंड कूलिंग इफेक्ट देयर इज अ टेम्परेचर डिफरेंस डेल्टा, ड्यू टू टेम्परेचर डिफरेंस अ वोल्टेज डिफरेंस इज क्रिएटेड एंड ड्यू टू विच ऑटोमेटिकली इलेक्ट्रिसिटी इज जनरेटेड। एज वी नो ड्यू टू वोल्टेज डिफरेंस करेंट इज जनरेटेड, सो व्हेन वी लाइट अप दिस द फैन विल ऑटोमेटिकली रोटेट एंड दिस इज आवर वर्किंग मॉडल। और उसके ग्रुप का मॉडल है होलोग्राफी। तो है ये होलोग्राफी के ऊपर बेस्ड है। होलोग्राफी जिसमें कोई भी जो एक ये इंटरफेरेंस बीम ऑफ लाइट लाइट के ऊपर वर्क करता है जिसमें तुम कोई भी ऑब्जेक्ट जो ये 3D एनिमेशन में दिखाता है, कोई भी ऑब्जेक्ट को तुम देखोगे तो वो तुमको 3D। और ये कोहेरेंट सोर्स ऑफ लाइट पे भी काम करता है, कोहेरेंट सोर्स ऑफ लाइट जिसका सेम वेवलेंथ सेम फ्रीक्वेंसी होता है उसके ऊपर ये बेस्ड है। तो इस पे हम लोगों का देख सकते, इसमें हम लोगों का 3D ऑब्जेक्ट का इमेज शो कर रहा है।